हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा की पाकशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं भुने चने की हेल्दी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, तो आप बच्चों को ये मिठाई ज़रूर बना के खिलाएं। और इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो आपको गैस चलाने की ज़रूरत है, ना कोई चाशनी बनाने की। 5 से 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है और इतनी सॉफ्ट है कि मुँह में रखते ही घुल जाए और दिखने में बिल्कुल मोहनथाल जैसी, और टेस्ट में भी मोहनथाल का टेस्ट आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। चलो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैंने ले ली है चीनी, आधा कप मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मिक्सी के जार में डाल के बारीक पाउडर बना लेना पीस के। अगर आपके पास मार्केट वाला चीनी बुरादा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक बाउल में अलग निकाल दिया है। अब सेम जार के अंदर मैं भुने हुए चने ले लूँगी। आधा कप मैंने चीनी ली तो 1 कप फुल भर के मैंने भुने चने ले लिए। आसानी से कोई भी किराने की दुकान पे मिल जाते हैं। सेम जार में डाल दिए और बारीक पीस लेना है। जैसे बेसन बारीक होता है वैसे ही बारीक आपका ये जो भुना हुआ चना है वो होना चाहिए। अब मैं एक छन्नी लगाऊंगी और उसके ऊपर भुने हुए चने का पाउडर वो डाल दूंगी, क्योंकि अगर थोड़े बहुत इसके अंदर बड़े कण रह गए हैं तो छन्नी से आपको छान लेना है। इस तरह से मैंने इसको छन्नी से छान लिया है और जो थोड़े बहुत बड़े कण थे वो इसके अंदर छन्नी के अंदर रह गए। बस हमारा मिश्रण ये तो तैयार हो गया। अब मैंने ले लिया थोड़ा सा दूध। दूध ये गर्म करके ठंडा किया हुआ लिया है, ज़्यादा आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। और हमें इस मिश्रण को दानेदार बनाना है, क्योंकि हम इस मिठाई को मोहनथाल जैसी दानेदार मिठाई बना रहे हैं, तो हमें दूध डाल के इसका दाना बना लेना है। तो हाथ आपको साफ धो लेने हैं। मैं हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि मिक्स करने में आसानी रहेगी। थोड़ा थोड़ा मैं दूध डालते जा रही हूँ और इसको मसलते जा रही हूँ। इसको इस तरह से हाथों से मसल के छोटा छोटा सा दाना बना लेना है। और ये मिठाई बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है और हेल्दी भी है। तो बच्चों को आप ज़रूर से इस तरह की मिठाइयाँ बना के खिलाएं। और मैंने बहुत सारी चने की मिठाई, बिना मिल्क पाउडर की मिठाई मेरे वीडियो बना के डाले हुए, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो भी देख सकते हैं। तो देखो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मैंने इस तरह से दानेदार बना लिया है। अभी थोड़ा बड़ा दाना दिख रहा है, इस तरह से हम मसलते जाएंगे तो दाना है वो छोटा दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं मिश्रण है कुछ इस तरह का होना चाहिए, आप देख ले इस तरह का। शायद आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए इस तरह से दानेदार हो गया हमारा मिश्रण। अब बस ये मिश्रण परफेक्ट है, तैयार है। अब इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा मैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं येलो फूड कलर डाल रही हूँ जो मिठाई वगैरह में डालते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर मिल्क पाउडर आधा कप, और आधा कप पीसी हुई चीनी डाल दी। मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं, इससे जो मिठाई है उसमें मावे का टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने पहले भी बताया बिना मिल्क पाउडर की मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई, तो वो भी आप देख सकते हैं। 2 चम्मच मैंने नारियल बुरादा डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना सारी चीज़ों को। तो मेरे क्या हुआ, जैसे ही मैंने सारी चीज़ें डाली और घर में कोई मेहमान आ गए थे तो मैंने मिश्रण को ऐसे ही छोड़ दिया। वीडियो मेरे को बीच में छोड़ना पड़ा, मैं बाद में मिक्स कर रही हूँ तो जो मिल्क पाउडर है उसकी गांठें बन गई, क्योंकि पहले मैंने दूध डाल के उसका दाना बनाया था तो मिश्रण में नमी थी, इसलिए मिल्क पाउडर है उसके बड़े बड़े दाने बन गए। तो आप ये गलती ना करें, तुरंत ही मिश्रण को मिक्स कर ले। मैंने छोड़ दिया था तो देख सकते हैं आप इस तरह से दाने बन गए। और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने इस तरह से ये मिश्रण तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है। मिश्रण है ना तो ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा गीला है। और एक डिब्बा ले लिया प्लास्टिक का और उसमें मैंने सेट कर दिया। डिब्बे को आप चिकना कर ले, प्लेट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। मैंने तेल लगा के चिकना कर लिया था डिब्बे को, और सेट करके ऊपर से मैंने पिस्ता और बादाम की कतरन से डेकोरेट कर दिया है। अब इसको मैंने फ्रीज में रख दिया था सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के करीब। ये आसानी से सेट हो जाती है। अगर ज़्यादा हार्ड चाहिए तो थोड़ी देर और रख दे आप, घंटा भर फ्रीज में रख दे। मुझे सॉफ्ट बर्फी चाहिए थी इसलिए मैंने इसको 15-20 मिनट फ्रीज में रखा था। और इसको इस तरह से मैं कट कर लूँगी पीस को। कट करने से भी आपको पता लग रहा है कितनी सॉफ्ट और इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। इतनी सॉफ्ट, खाने में ऐसे लग रहा था कि ये मोहन थाल ही है। और बनाने में टाइम मिनटों लगते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। घंटों की मेहनत से जो मोहन थाल बनाते उसका टेस्ट हम बिना गैस चलाए मिनटों में बना के भी मिठाई को तैयार कर सकते हैं। तो
तो देखिए इस तरह से इतनी सॉफ्ट और दिखने में जितनी शानदार है उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। इस मिठाई को आप फ्रीज में रख के 4 से 5 दिन आराम से स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितनी शानदार बनी, एक बार वीडियो देख के आप ज़रूर बना के ट्राई करें, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बच्चों को तो खासकर पसंद आएगी। देखिए और मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, मुँह में रखते ही घुल जाएगी। तो इस वीडियो को बनाएं और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल।